नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट में तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण में छंद पढ़ते हैं छंद पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा ज़रूर और थोड़ा सा अलग तरीके से आज जो है इसमें छंद को देखेंगे खासकर यूपी ट्रिपल एस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट व्यू हैं उसके हिसाब से देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो सबसे पहले छंद क्या होता है इसको कैसे परिभाषित करते हैं मात्रा तथा वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं छंद को पिंगल भी कहते हैं और छंद शास्त्र को यानी छंद का अध्ययन अध्ययन करने वाले शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं छंद शब्द छद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना और छंद का दूसरा नाम पिंगल है जैसा कि मैंने ऊपर बताया क्योंकि छंद छन्दास्त्र आदि के आदि आद प्रेरणा पिंगल नाम के एक ऋषि थे छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है और गद्य की अपेक्षा छंदोद्वक्ता पद में अधिक पाई जाती है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अक्षरों की संख्या व क्रम मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना जो है छंद कहलाती है अब छंद के जो है कुछ मूलभूत अंग होते हैं जो हम लोग जो है छंद के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें वो नाम आते हैं जैसे कि चरण पद पाद वर्ण और वर्णमा माला संख्या क्रम गण गति तुक लघु और गुरु यति विराम तो पहले इन शब्दों को समझना जरूरी है तभी हम छंद में जो है सही चीज़ समझ पाएंगे तो चरण पद या पाद क्या होता है तो छंद के प्राय चार भाग होते हैं इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं यानी जैसे आपने देखा है कि पहले पहली लाइन में एक लिखा जाता है उसका डैश लगा के फिर एक पूर्व विराम दिया जाता है फिर दूसरी लाइन लिखी जाती किसी भी चीज़ मान लीजिए चौपाई ही है या दोहा है दूसरी लाइन लिखते हैं फिर हम उसमें डबल तो ये कितने चरण हो जाते हैं एक दो तीन चार चरण हो जाते हैं कुछ छंदों में तो चार ही होते हैं लेकिन दो ही पंक्तियों में लिखे जाते हैं जिन्हें दल कहते हैं चरण दो प्रकार के हो सकते हैं सम व विषम पहले व तीसरे चरण को विषम दूसरे व चौथे को सम चरण कहते हैं तो जिस तरह से ये लिखा जाता है तो अगर हम कहेंगे सम चरण कौन कौन से हैं तो दूसरा व चौथा ये सेकेंड और अगर फोर्थ की बात करें तो इनको सम छंद समचरण कहते हैं और पहले और तीसरे को विषम कहते हैं वर्ण और मात्रा उसमें क्या होती है एक स्वर ध्वनि वाली को वर्ण कहते हैं और वर्ण के दो प्रकार होते हैं हृष्व स्वर वाले वर्ण और दीर्घ स्वर वाले वर्ण तो किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं मात्रा दो प्रकार की होती है हृस्व व दीर्घ तो वर्ण का मतलब जैसे अगर सिंपल का लिखा हुआ है तो ये क्या है ये एक वर्ण हो गया है और अगर वहीं पर का में आ की मात्रा लगी है तो ये एक दीर्घ वर्ग वर्ण हो गया है और इसी के आधार पर इनको हृष्य और दीर्घ जो है कहा जाता है आगे देखते हैं संख्या क्रम और गण इनका भी इनका भी प्रयोग होता है इसमें तो मात्राओं और वर्णों की गणना को क्या कहते हैं संख्या कहते हैं लघु और गुरु के स्थान पर निर्धारण निर्धारण को क्रम कहते हैं मात्राओं और वर्णों के की, की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए तीन वर्णों का एक एक गण मान लिया जाता है और इन गणों की संख्या आठ है तो यगण मगण, तगड़ सभी में पहला वाला बदल जाएगा रगड़ जगड़ भगड़ नगण, सगण। इसका यूज अभी आपको आखिरी में समझ में आएगा इन गढ़ों को अगर हम इस तरह से एक फार्मूला बना लें तो याद रख सकते हैं गढ़ का विचार केवल वर्णवृत्त में होता है मात्रिक छंद इस बंधन से मुक्त होते हैं और हमको मेन जो है मात्रिक छंद ही पढ़ना है तो हमको जो है यगड़ मगड़ वाले इससे ज़्यादा जो है अभी फिलहाल जो है इसकी आवश्यकता नहीं है लघु और गुरु क्या होता है ऋष वर्ण को चंद्रबिंदु वाले वर्ण को वर्ण को लघु समझा जाता है और इसका चिन्ह क्या होता है इसका चिन्ह सिंपल जो है ये खड़ी पाई होती है जैसे कलम तो कलम में क्या है तीनों जो है हृष्य स्वर हैं यानी छोटे स्वर हैं तो का ला मा इसके लिए ये कर दिया जाएगा अगर हमको दीर्घ वर्ग को गुरु समझा जाता है तो उसमें एस का आकार लगा दिया जाता है तो जैसे अगर हमने तारा लिखा है तो यहाँ क्या है दोनों जो है दीर्घ स्वर हैं तो दोनों के लिए इस तरह का हमको जो है पहचानने के लिए इस तरह का यूज कर लिया जाता है गति क्या होती है छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं यति छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेना यानी जब हम विराम के लिए रुकते हैं किसी छंद को पढ़ते समय तो उस स्थान को हम यति कहते हैं इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहा जाता है तुक क्या होता है तुक छंद का प्राण है छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री समान स्वर समान व्यंजन स्थापना को तुक कहते हैं जिस छंद के अंत में तुक हो वह तुकांत छंद और जिसके अंत में तुक ना हो वो अतुकांत छंद होता है जैसे कि अगर कोई चौपाई है उसमें आखिरी में मान लीजिए जाया शब्द आया है तो उसके दूसरे चरण में भी आखिरी में जाया आता है तो ये तुकांत हो गया यानी तुक उसमें बन रहा है पढ़ने में जो है तुक आ रहा है फिर छंद के प्रकार क्या होते हैं मात्रिक छंद होते हैं वर्णिक छंद होते हैं वर्णिव्रत छंद होते हैं और मुक्त छंद होते हैं तो अब इनके प्रकार को समझ लेते हैं यही जो है मेन जो है मूल है जिसको हमको समझना है तो सबसे पहले हम मात्रिक छंद की बात करते हैं मात्रिक छंद कहते किसको हैं ये भी जान लेना जरूरी है तो मातृक छंद यह होती है जिसमें हम मात्रा पर ही विचार करते हैं जैसे कि मात्रिक अर्ध मात्रिक और विषम मात्रिक तो मात्रिकों की अगर हम बात करें तो सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं जैसे कि चौपाई रोला गीतिका और हर गीतिका ये छंदों के उदाहरण हैं इनमें क्या होता है सभी चरण जो है उनमें मात्रा समान होती है भले उनके चरणों में भिन्नता हो कि पहले तेरह आ रहा है बाद में ग्यारह आ रहा है फिर ग्यारह आ रहा है फिर तेरह आ रहा है लेकिन फाइनली अगर चौबीस होगा रोला में तो चौबीस ही मात्राएँ होंगी पूरे एक जो है उसमें तो चौपाई में क्या होता है चार चरण होते हैं प्रत्येक में सोलह मात्राएं होती हैं अभी इसको मैं आगे विस्तृत करके भी दिखाऊंगा आपको कि किस किस तरह से मात्राएं होती हैं तो चौपाई में चार चरण और प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएं होती इसी तरह से रोला में चार चरण होते हैं और प्रत्येक में चौबीस मात्राएं होती गीतिका में चार चरण होते हैं प्रत्येक में छब्बीस मात्राएं होती हैं हर गीतिका में चार चरण होते हैं और इसमें अट्ठाईस मात्राएं होती हैं तो गीतिका और हर गीतिका में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि गीतिका में छब्बीस और हर गीतिका में अट्ठाईस मात्राएं होती हैं और काफी यूपी ट्रिपल एस जैसे एग्जाम्स में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कितने चरण या कितने मात्राएँ होती हैं तो इसको जरूर याद रख लीजिएगा फिर अर्धसम मात्रिक की बात करते हैं इसमें पहला व तीसरा चरण समान हो और दूसरा चौ, और चौथा उनसे भिन्न हो तो जैसे कि हमने पीछे जो देखा इसमें क्या था अगर जैसे मान लीजिए चार चरण में जो है लिखा हुआ है एक दो तीन और चार चार चरणों में मान लीजिए हम कैसे चौपाई की ही बात करते हैं तो ये चार चरणों में लिखी हुई है तो प्रत्येक में जो है सोलह 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 मात्रा इसमें भी होगी सोलह इसमें भी होगी सोलह इसमें भी होगी सोलह इसमें भी होगी लेकिन अर्ध स, अर्ध समात्रिक में जो है अगर चार चरण हम इस तरह से उदाहरण के लिए बनाते हैं एक दो तीन चार तो इसमें क्या होगा इसमें पहले और तीसरे चरण की मात्राओं में समानता होगी और दूसरे और चौथे चरण की मात्राओं में समानता होगी या पहले चौथे और तीसरे दूसरे में भी ऐसा हो सकता है तो इसके उदाहरण हम देखते हैं दोहा सोरठा और बर्वय ये तीनों अर्ध सामात्रिक छंदों के उदाहरण हैं दोहा में क्या होता है चार चरण होते हैं एक व तीन में यानी पहले और तीसरे में तेरह मात्राएं और दो और चार में ग्यारह मात्राएं होती हैं तो अगर इसको हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह इस तरह से हम इसको जो है डिनोट करने के लिए लिख सकते हैं फिर वहीं पर अगर सौरठा की बात करें तो पहले तीसरे में ग्यारह और दूसरे तीसरे में दूसरे और चौथे में तेरह मात्राएं होती हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं बरवे की बात करें तो पहले तीसरे में बारह और दूसरे चौथे में सात होती हैं तो बारह सात बारह सात इस तरह से हम इसको जो है लिख सकते हैं ये याद रखने के लिए बरवे को और इन तीनों चरणों इन तीनों के चारों चरणों दो पंक्तियों में लिखे जाते हैं इसीलिए मैंने इसको दो पंक्तियों में ही लिखा है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए फिर विषम मात्रिक छंद की बात करते हैं तो प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं होती है इसमें फिक्स नहीं होता है जैसे कि कुंडलिया और छप्पे क्यों क्योंकि कुंडलिया जो है दो अलग छप उसको मिला के बनता है दो छंदों को छप्पे भी दो छंदों को मिला के बनता है जो आगे हम देखेंगे तो इसके वर्गीकरण को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं मात्रिक छंद और वर्णिक छंद छंदों की पहचान केवल मात्राओं के, के आधार पर की जाती है मात्राओं की समानता और संख्या पर ही विचार किया जाता है तो मात्रिक छंद दोहा चौपाई सोरठा आदि उदाहरण हो गए वर्णिक छंदों में छंदों की पहचान के लिए वर्णों के क्रम का विचार किया जाता है इनमें वर्णों के क्रम और स्थान स्थान आदि का नाम स्थान आदि नियम नियंत्रित रहते हैं जैसे इंद्रवज्रा वज्रा उपेंद्र वज्रा सवैया इत्यादि फिर अगर हम जो है आ, मात्रिक छंदों की बात करते हैं तो ये सम अर्ध सम और विषम जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं केवल आपको एक फिर से उसका जो है रिव्यू दे रहे हैं तो मात्राओं की संख्या चारों चरणों में समान होती है सम मात्रिक में उदाहरण चौपाई हरि गीतिका गीतिका रोला अर्धसम में प्रथम तृतीय में तथा द्वितीय चतुर्थ में पहले और तीसरे में और दूसरे और चौथे में मात्राएं समान होती हैं जैसे कि दोहा सोरठा उल्लाला बरवय और कुंडलिया विषम में चारों चरणों में मात्राओं की संख्या असमान होती है तो इसका एक सिंगल उदाहरण जो है छप्पे हो गया और भी उदाहरण होते हैं फिर वाणिक छंदों की बात करते हैं तो इसमें सम वर्णों की संख्या चार चरणों में समान होती है तो इसके उदाहरण जरूर देख लीजिए बाकी वाणी छंदों से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं स्वागता भुजंगी सालिनी इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा ये इसके उदाहरण हो गए अर्धसम क्या होते हैं पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे में इसमें जो है समान रहता है विषम में चारों चरणों में असमान होता है जैसे कि सवैया सवैया से क्वेश्चन आ चुका है तो फिर अब आगे देखते हैं कुंडलिया कैसे बनता है इसमें छः पंक्तियाँ होती हैं पहले दोहा फिर रोला मिलाकर कुंडलिया बनती हैं छप्पे छः पंक्तियाँ होती हैं पहले रोला फिर उल्लाला मिलाकर छप्पे बनता है तो मात्राओं को कैसे गिना जाता है ये हम देखते हैं अभी हम इसको आगे डिटेल में उसकी वो भी बता रहे हैं कि किस में किस तरह से जो है मात्राओं का क्रम होता है तो जो छोटी मात्राएं होती हैं उसको इस चिन्ह से डिनोट करते हैं जैसे आ और का है तो उसके लिए ई है या छोटी की मात्रा के साथ का है तो उसके लिए भी यही छोटी छोटी मात्रा कहीं भी लिखा होगा तो सिंगल आप जो है एक एक जो है इसमें बार लगाएंगे बड़ी मात्रा के लिए एस सेप का प्रयोग होता है जैसे कि बड़ा आ का बड़ी की उ कु, ए, के जो तो इसके लिए इनका प्रयोग करते हैं आगे एक उदाहरण हम देखते हैं इसको समझने के लिए तो जैसे कि एक ये दोहा है तो यहाँ पे क्या है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सून पानी गए ना उबरे मोती मानस चून तो इसमें कितने चरण हो रहे हैं चार चरण हो रहे हैं पहला दूसरा तीसरा और चौथा चरण हो रहा है यहाँ पर ये यह, यह यहाँ से इसको आप हम ब्रेक भी कर सकते हैं इसको समझने के लिए कि इसमें चार चरण कौन कौन से हैं अब अगर इसमें आप मात्राएँ गिनते हैं तो चलिए गिनिए एक दो तीन चार फिर इसको दो गिना जाता है बबदिर को पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह तेरह तो ये कितना हो गया तेरह हो गया फिर दूसरी साइड में कितें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह तो क्या हो गया तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह तो यही पैटर्न बताया जाता है कि जो है अगर दोहा है तो उसमें तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह यही जो है इसका पैटर्न होता है तो पहले और तीसरे चरण में तेरह मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं इसीलिए ये दोहा है तो आप इसको समझ भी गए होंगे जैसे यहाँ पर देखिए रा है तो इसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है सिंगल बार का जो है क्योंकि ये छोट इसमें कोई भी जो है दीर्घ स्वर नहीं है ही है यानी यहां पर ही लिखा है इस तरह से इसके लिए भी जो है बार ही प्रयोग होगा कि ये छोटा जो है छोटी मात्रा है इसमें लेकिन यहां पर अगर पा में देखिए आप बड़ा मात्रा लगी है तो उसके लिए एस है ना पर बड़ी मात्रा लगी है तो उसके लिए एस है तो इसी तरह से उसको आप गिन के भी जो है पता लगा सकते हैं कि ये क्या है फिर आ, अगला देखते हैं अब वार्णिक छंद और उनके क्या होते हैं वार्णिक छंद जो होते हैं इसमें वर्णों की गणना होती है इसमें चार समान समान चरण होते हैं प्रत्येक चरण में आने वाले लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित होता है जैसे मत मत्तगम्द सवैया सवैया इसको कहते हैं वैसे वाणिक छंद ये वर्णिक छंद था अब वाणिक छंद जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती उसे है उसे वाणिक छंद कहते हैं जैसे दुर्मिल और सवैया फिर मुक्त छंद चरणों की अनियमित असमान स्वच्छंद गति और भाव के अनुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है इसे रबर या केछुआ छंद भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं होता है अब हम थोड़ा सा जो है उदाहरण से समझते हैं कि जो है जो हमने बात की इतनी सारी उसमें वास्तव में क्या हो, क्या होता है तो एक ये चौपाई का उदाहरण है बंदव गुरुपत पदुम परागा सूरज सुबाष सरस अनुरागा तो ये रामायण की एक चौपाई है तुलसीदास जी की द्वारा रचित तो इसमें अगर आप देखिए तो इसमें क्या है इसमें अगर आप मात्राओं को गिनिए मैंने गिन के रखा है तो सोलह है क्योंकि इसमें जो कि यहाँ पर परागा रा पर बड़ी आ की मात्रा रा बड़ी मात्रा है और गा बड़ी मात्रा है तो दो यहाँ पर एस एस सेप्स का इस्तेमाल किया गया है बाकी जो है आप सभी को गिन सकते हैं तो ये सोलह हो जाएगा इसी तरह से यहाँ सोलह हो जाएगा तो इसमें प्रत्येक चरण में सोलह सोलह मात्राएँ होती हैं चौपाई में अब दोहा की बात करें तो दोहा को हम लोग दोहा में दोहा अर्धसमात्रिक छंद होता है तो तेरह ग्यारह और तेरह ग्यारह इसका पैटर्न होता है ये हमने बता भी दिया लेकिन अगर एक चरण में मात्रा की कही जाए यानी पूरे में अगर एक लाइन में तो चौबीस चौबीस मात्राएं होती है हैं क्योंकि ग्यारह और तेरह जो जोड़ने पर आपको चौबीस प्राप्त होगा फिर सोरठा की बात करते हैं ये भी अर्ध सम्मात्रिक होता है इसमें ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह का पैटर्न फॉलो होता है आगे रोला की बात करते हैं तो ये चार पंक्तियाँ या इसमें चार चरण होते हैं जैसे अभी तक जो है हमने देखा कि दो चार दो ही पंक्तियाँ होती थी दोहा सोरठा में लेकिन रोला में क्या होता है चार पंक्तियाँ या चार चरण होती हैं ये सब मात्रिक होता है प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएँ होती हैं और ग्यारह के तेरह के क्रम में होती हैं जैसे कि अगर ये हम चार पंक्तियाँ मान लें एक दो तीन चार तो इसके दोनों चरणों में ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह यही फाल होगा और एक लाइन में जो मात्राएं होंगी वो कुल कितनी होंगी चौबीस चौबीस सब में होती चली जाएंगी कुंडलिया की बात करें ये यह अर्धसमात्रिक छंद होता है दोहा और रोला ये इनको मिला के कुंडलिया कहते हैं बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें जो है दो छंद मिल के ये कुंडलिया बनता है इसलिए इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है तो इसकी विशेषताएँ क्या है इसमें पहली चीज़ तो छः पंक्तियाँ होती हैं आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः पंक्तियाँ होती हैं प्रथम दो पंक्तियाँ दोहे की होती हैं तो पहली दो पंक्तियाँ आपके सामने दोहे की हैं दोहे की क्या विशेषता होती है तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह ये दोहा होता है तो तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह हो गई अंतिम चार पंक्तियाँ रोला होती हैं अभी रोला आपने ऊपर जस्ट देखा है ये ये वाला तो क्या होता है रोले में रोला सम मात्रिक होता है उसमें ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह चार लाइनों में आता है तो इस तरह से कुल छः लाइनें हो जाती हैं जिसमें तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह ये दो बार हो गया और उसके बाद ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह ये चार बार जो है रिपीट होता है तो ये तो हो गई कुंडलियाँ अब आगे देखते हैं हर गीतिका इस ये भी सम मात्रिक छंद होता है इसमें 16 बारह के विराम से कुल 28 मात्राएं होती हैं यानी पहले चरण में 16 दूसरे में 12 और इनके बीच जो 16 बारह के बीच विराम होता है लेकिन टोटल कितना 28 होती हैं एक लाइन में तो ये चार जो चार लाइनों में होता है और इसमें प्रत्येक में अट्ठाईस अट्ठाईस मात्राएं होती हैं उल्ला जो अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है इसमें पंद्रह तेरह पंद्रह तेरह का पैटर्न फॉलो होता है प्रत्येक चरण में अट्ठाईस मात्राएं होती हैं अब छप्पे की बात करते हैं छप्पे भी पूछा जाता है क्योंकि इसमें भी जो है दो चीजों का जो है मेल होता है रोला और उल्लाला का तो रोला और उल्लाला मिलकर छप्पे बनते हैं इसमें छह चरण या पंक्तियां होती हैं पहले चार चरण रोला के होते हैं और अंतिम दो चरण उल्लाला के होते हैं और ये एक विषम मात्रिक छंद है तो रोला का आपने पैटर्न अभी पीछे देखा ही था उदाहरण में ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह ये चार बार फॉलो होता है और एक लाइन में चौबीस मात्राएं होती हैं और उल्लाला में दो ही जो है चरण पंक्तियां होती हैं पंद्रह तेरह पंद्रह तेरह का पैटर्न फॉलो होता है और अट्ठाइस अट्ठाइस मात्राएं होती हैं प्रत्येक जो है लाइन में फिर गीतिका की बात करें यह समात्रिक छंद होता है और हरि गीतिका में अट्ठाइस था जो है एक लाइन में और गीतिका में चौदह बारह चौदह बारह के विराम पर छब्बीस छब्बीस जो है मात्राएं आती हैं फिर बरवे की बात करें यह अर्धसमात्रिक छंद है इसमें बारह सात बारह सात ये पैटर्न फॉलो होगा बस आपको यही याद रखना है और उन्नीस उन्नीस एक में मात्राएं हो जाएंगी तो इस तरह से जो है छंद हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया और जितना भी मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने आपको बता दिया आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मैं आपको बिल्कुल कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूँगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही नमस्कार धन्यवाद